ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में 10 मोबाइल समेत 2 शातिर चोर गिरफ्तार। सहारनपुर की सिटी कोतवाली को मिली सफलता। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी, लूट व मोबाइल छीनने की घटनाओं पर अंकुश लगाने व अपराधियों की धरपकड़ हेतु मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीपक नवासी माधव नगर को चोरी के 10 मोबाइल सहित भारत माता चौक की तरफ थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर से किया गिरफ्तार। इस संबंध में आज एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर 10 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए और एक अन्य अभियुक्त को भी और गिरफ्तार किया गया। ये लोग मोबाइल चोरी करने के बाद उनका IMEI नंबर को चेंज करके उनको फ्रेश करके आगे बेचने का काम किया करते थे। अभी इस मामले में और भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है इस गैंग के और भी सदस्य जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे। देखिए, ये 10 मोबाइलों के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यही लोकल माधवनगर का रहने वाला है। कुछ मोबाइल इसके कब्जे से थे, बाकी इसे जब कड़ाई से पूछताछ करी गई तो इसकी निशानदेही पे 10 मोबाइल, जो कि सभी अच्छे प्रकार के और महंगे मोबाइल हैं, वो बरामद किए गए हैं। जिसको कि इसके बारे में इसने बताया कि ये जो है उनको मोबाइलों को चोरी कर लेता था और उसके बाद में इनकी आई मई वगैरह चेंज करके इनको जो है फ्रेश करके बेच दिया करते थे। 2 मुलजिम इसके बाद में भी जो है इस प्रगति हुई है, एक और मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है। तो फिलहाल अभी इन मोबाइलों को कोर्ट की अनुमति से खोल करके और फिर इनकी डिटेल्स वगैरह जो है आई मई वगैरह देख करके और पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से चोरी हुए थे और इसमें क्या कार्रवाई करी गई है, इनके साथ में क्या क्या खिलवाड़ हुआ है और इनके साथ में और कौन कौन लोग इनके गैंग में शामिल हैं, इस सभी को विवेचना में लाकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। कैसे चोरी किया करते थे और उसके बाद क्या करते थे ये चोरी करने के बाद उन मोबाइलों को? देखिए, प्राथमिक रूप से जो इन्होंने बताया तो ये है कि ये मोबाइल कभी दुकानों पर से इन्होंने जो है उठा लिए या किसी व्यक्ति के साथ भीड़ भाड़ में उसकी जेब से निकाल दिए मोबाइल। ये सब इसने प्राथमिक रूप से बताया, लेकिन इन सब चीज़ों की तस्दीक तभी होगी जब हम इन मोबाइल्स की डिटेल को रन कराएंगे और इसकी विवेचना करेंगे, तभी जानकारी होगी कि ये सच बोल रहे हैं कि नहीं। अभी प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है जो बताई है बात वो यही है कि ये इस तरीके से चोरी छुपे इसको जो चोरी कर लिया करते थे और फिर इसको इसकी IMEI वगैरह बदल करके फ्रेश मार्केट में भेज दिया। लगभग कितने मोबाइल बरामद किए हैं? अभी 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। सर, जो मोबाइल है जो बरामद हुए हैं ये कैसे पता लग पाता है बाद में बरामद होने के बाद पुलिस को कि आखिरकार ये मोबाइल इनके हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाता है? देखिए, इन मोबाइल्स के जब हम IMEI वगैरह रन कराएंगे और साथ में इन मोबाइल की डिटेल को संबंधित कंपनीज को भेजेंगे तो ये जानकारी आएगी कि ये वाला सेट जो है किस सेंटर पे भेजा गया था और उस सेंटर से फिर जब जानकारी करेंगे लोकल किसी डीलर से तो पता चलेगा कि इसको किस व्यक्ति को उन्होंने बेचा था। क्योंकि जिसने EMI चेंज किया है क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि वो भी देखा जाए तो इसी पूरे नेक्सस का एक हिस्सा है। ठीक है।